अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम्हारे चैनल की तरफ से पूरे अवाम को रमज़ान की ईद मुबारक देना चाहता हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र, रमज़ान के रोज़े जो ही बहुत अच्छा गुजारे हमें, हर चीज़ से अल्लाह महफूज करया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। मैं तुम्हारे चैनल की तरफ से पूरे उम्मत मुस्लिमा को और पूरे अवाम को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, मैं ईद मुबारक देना चाहता हूँ। जिस तरह इलेक्शन नज़दीक आ रहा है या नॉमिनेशन भी हो गया है, जनाब आज तनवीर शेख साहब का, जो आप जो है उनके बिल्कुल करीबी और उनके चहेते हैं, आज सुबह से जो है मीना बाज़ार के कारोबारियों को लेकर एक चर्चा जो है व्हाट्सएप के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जो है पूरी तरह से आम होती जा रही है। ये इसमें क्या सच्चाई है और कितनी सच्चाई है, आप इसके बारे में तफसील से बताएं। नहीं, वो मोबाइल में कौन की दाल को ही पहले जो डाली, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, वो लेटर देखना, उन्होंने वो पढ़ना, उसमें उन्होंने क्या डाली, मीना बाज़ार के अंदर खाली मैसूर की आवाम नहीं जमती, ये आजू बाजू के जो खेड़े से अदना आती, बहुत बड़ी तादाद से पूरी डिस्ट्रिक्ट से आना चाह आती सो वहाँ पर, रमज़ान का जो ईद है यहाँ परचेस करने आती सो, यहाँ जो है किसी का पैसा जाता है, किसी का मोबाइल जाता है, ये वास्ते वहाँ के जो कमेटी ही अफरोज भी जो अफू ही उनसे, उन्होंने जो जाको तनवीर शेर साहब से जो बोले है, उसके बाद उन्होंने लेटर देती कमिश्नर को कि वहाँ उसके बारे में तहकीकात करको, वहाँ अदमिया को सेफ करो करको बोल को पुलिस को लेटर देती सुनो। ये सियासत, ऐसी सियासत नहीं करना, जोन भी करे मैं इन्होंने करे करको नहीं बोलता, जो भी करे ऐसी सियासत नहीं करना। तुम्हें अगर सियासत करना है, अवाम के बीच में आओ, 10 तारीख के दिन पोलिंग है, 10 तारीख के दिन इलेक्शन है, तुम्हें 10 तारीख के दिन अवाम के पास आओ, अवाम तुम्हें चाहिए तो अवाम चाहते, तुम्हें ऐसी सियासत, चिल्लर सियासत कर रही, ये तुम्हें कहीं की एक जगह लाजिम नहीं होता। इंशाल्लाह तनवीर शेख साहब को तुम्हें कितना ज्यादा तुम्हें बोलती, इंशाल्लाह उतने ज्यादा हमें वोट लेती, हमना वो बारे में क्या भी नहीं आता। अल्लाह तनवीर शेख साहब वहां के जो जिम्मेदार आई, मीना बाजार के जिम्मेदार आई, आज पुराने आज उन्होंने उनका लेटर उठा को बोलती, अजीत सेठ साहब हमारे मीना बाजार के अंदर मेंटेन करते थे, आज तनवीर सेठ साहब मेंटेन कर ले जा रही कर को उन्होंने बोलती, यहाँ कहाँ की एक जगह पुड़ी दाल को इन लोग ये करना चाहती, ये सो भी बेकार की बात। इसमें तुम्हें इलेक्शन के नजदीक ऐसे 100 पुड़ियां डाले तो भी इंशाल्लाह अवाम गुमराह नहीं होती, हमारी नरसिम राजा क्षेत्र की अवाम आज बहुत होशियार है, इंशाल्लाह सही फैसला लेते हैं। तो आपके हिसाब से ये अफवाह थी? अफवाह थी, उसमें लेटर में है, और जो अपोजिशन है उन्होंने जो है ये इलेक्शन, हाँ जो ज्यादा चाहने वाले ही उन्होंने ये काम कर कोई सो, क्या भी उसमें हमना इफेक्ट क्या भी नहीं होता। अल्लाह तनवीर शेख साहब यहाँ नसीम राजा क्षेत्र के अंदर तकरीबन फुटपाथ के व्यापारियां 5780 तीन जने रोड पर व्यापार कर रही, कौन की फ्रूट का व्यापार कर रहा है, कौन की तरकारी डालने को कर रहा है, कौन की कबाब डालने को कर रहा है, कौन की मच्छी बिकाले को कर रहा है, नरसिम राजा के क्षेत्र के अंदर 5700 आदमी फ्रूट के व्यापार कर ले, कहीं कौन की होटल डालने कर रहा, उन्होंने किसी को, किसी का घर उन्होंने तोड़ते नहीं, किसी को बेघर करते नहीं, धंधे वाले को धंधा कराना चाहती, ये बेकार के अफवाहें तो मेरे लड़का को डाल रही, इसमें हमना अल्लाह तनवीर शेख साहब को क्या भी नहीं होता। इंशाल्लाह तुम्हें कितना ज्यादा बोलती अवाम, इंशाल्लाह तुम्हें अवाम गुमराह नहीं होती इंशाल्लाह। ओके, आपकी जानिब से जो है अवाम, मैसूर की अवाम और खुसूसन गन्नार हलके की अवाम को क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे बातों पर ना आए, इसे आपको क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं अवाम को क्या भी बोलने का नहीं है, 5 बार जिता को है सो अवाम, अल्लाह तनवीर शेख साहब को 5 बार जिता को ऐसा कौन की ललका को पड़ी डाले तो अवाम गुमराह नहीं होती। नरसिम राजा क्षेत्र की अवाम, हर अवाम जो है अवाम को मालूम है अल्लाह तनवीर शेख साहब क्या करे, क्या करते थे, क्या कर को ही पहले उन्होंने सामने इंशाल्लाह क्या डेवलपमेंट ले लेको आती वो काम करती, ये चिल्लर बात इसमें अवाम कौन भी ध्यान देती नहीं, इन्होंने बोल रही उनको कहा, उनको मालूम होता है कि 10 तारीख के दिन इंशाल्लाह मालूम होता, 13 तारीख को रिजल्ट आते तब हम इंशाल्लाह मालूम होता। इंशाल्लाह अब तो रमजान बहुत सुकून से गुजरिया, बहुत अच्छा गुजरिया, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, ऐसा आने वाला इलेक्शन भी बहुत सुकून से गुजरता, अल्लाह तनवीर शेख साहब 1000% जीतती, इंशाल्लाह जीत को नो डिप्टी CM होती हैं, हमें वो चाह रही, यहाँ की आवाम भी वो चाह रहे, इसे कोई रोकने नहीं होता। मैं तुम्हारे चैनल के थ्रू से ये जो व्हाट्सएप में डाल रही हूँ उनको मैं बोल अपील करना चाहता हूँ, ये चिल्लर सियासत करो ना को, क्या भी इसमें फायदा नहीं है तुमना, ये बहुत
चिल्लर सियासत है। तुम्हें अगर सियासत करना चाहती तो आवाम के बीच में आओ, 10 तारीख के दिन आवाम के बीच में आओ, इंशाल्लाह बरोबर होता। इंशाल्लाह मैं सबको भी आवाम को ईद मुबारक देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह अच्छा गुजरता, इलेक्शन भी अच्छा गुजरता। अस्सलाम वालेकुम।